नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और बाजारों की चाल में आज आप सबके लिए एक बार फिर से हाजिर हूं शाम का कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और उन पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, जानकार क्या बता रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है कि एक्चुअल में कृषि फसलें कैसी देखने को मिल रही हैं और वायदा बाजारों में आगे कैसी देखने को मिल सकती हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे पहले कैसा सीड से। देख रहे हैं कि कैसा सीड का अक्टूबर वायदा 6188 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 6222 का हाई लगा चुका है। 0.25% की तेजी आज कैसा सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि कैसा सीड के अंदर आज एक हल्की बढ़त बनती हुई नजर आई है। हालांकि अभी भी 6100 के घरों में ही है, लेकिन अब पहले से कुछ लेवल सुधरते हुए नजर धीरे धीरे आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार कैसे की जो बुआई है वो थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। कैसे की बुआई का रकबा कम देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उत्पादन भी कम देखने को मिल सकता है। दरअसल पिछले साल किसानों को कैसे के भाव अच्छे नहीं मिले थे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह से जो किसान है वो दूसरे फसलों की ओर रुख कर गए थे और कैसे की बुआई में भारी कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कैसे की बुआई के रकबे में लगभग 15% की गिरावट बनती हुई नज़र आई है। हालांकि अब जो मानसून एक बार फिर से रिएक्टिव हुआ है, सक्रिय हुआ है, उसकी वजह से जो गुजरात के जो किसान है, जो गुजरात जो कि मुख्य उत्पादक राज्य भी है कैसे की बुआई का, वहाँ पर कुछ किसानों ने फिर से रुख किया है कैसे की ओर, जिसकी वजह से कैसे की बुआई के आंकड़े कुछ सुधरते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन इतने भी नहीं होंगे कि कैसे का जो रकबा है या कीमतें हैं एकदम से गिरावट की ओर जाती हुई नज़र आएँ कैसे की कीमतें। और जैसे जैसे बुआई के आंकड़े और जो उत्पादन होगा कैसर का, उसके आंकड़ों में क्लियरिटी आती रहेगी, आंकड़े मिलते रहेंगे कि क्या आंकड़े हैं, एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती रहेगी। वैसे वैसे ही कैसे की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक उछाल देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो उत्पादन है कैसे सीड का इस साल कम ही रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल में जैसे मानसून सक्रिय हुआ है, इसकी वजह से जानकारों ने अनुमान लगाया था कि जो कैसर की बुआई का रकबा है उसमें थोड़ी हेर फेर हो सकती है, कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि मानसून एक बार फिर से रिएक्टिव हुआ है, यानी कि सक्रिय हुआ है। तो किसानों ने कैसर की ओर कुछ रुख किया, जिसकी वजह से बुआई में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जब बुआई के आंकड़े एक्चुअल में आ जाएंगे और उत्पादन के आंकड़े एक्चुअल में आ जाएंगे, तब कैसे की कीमतों में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि तब बुआई हो चुकी होगी, उत्पादन हो चुका होगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम ही होगा, तो इतनी हेर फेर देखने को नहीं मिलेगी फंडामेंटल्स के अंदर और कीमतें तेज़ी की ओर जाती हुई नज़र आएंगी। जब बुआई के आंकड़े उत्पादन के आंकड़े आ जाएंगे तो कैसे शेयर की जो कीमतें हैं वो 6800 से लेकर 7000 तक देखने को मिल सकती हैं। बात करें चने की, तो चने का अक्टूबर वादा देख रहे हैं कि 5230 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, मामूली सी करेक्शन है। हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि चने की जो कीमतें हैं वो 5200 के घरों में कारोबार करती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल सबसे पहले तो सरकार ने दालों के स्टॉक पर एक स्टॉक लिमिट लगा दी, उसके बाद फिर आयात का फैसला ले लिया, उसके बाद फिर सेबी का चने के ऊपर फैसला ले आया है कि जब तक सेबी का आदेश नहीं आ जाता तो चने के और कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं होंगे, जो चने के जो चालू कॉन्ट्रैक्ट है उन्हीं में ही कुछ प्रतिबंधित कुछ नियमों के साथ ही ट्रेड किया जाएगा। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चने की ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ नज़र आया है। और दूसरा, अब जो मानसून अच्छा देखने को मिला है तो जानकारों ने अब ऐसा अनुमान लगाया है कि जो अगला सीज़न होगा दालों का बुआई का, वो उसमें जो दालों की बुआई होगी वो अच्छी देखने को मिल सकती है इस साल के मुकाबले, जिसकी वजह से दालों के बाज़ार पर प्रेशर बनता हुआ नज़र आएगा और उसका दबाव चने की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसी की वजह से हम हाल फिलहाल में अभी चने की जो कीमतें हैं उन पर एक दबाव बनता हुआ देख रहे हैं, सीमित दायरे में कारोबार देख रहे हैं। हालांकि 2020-21 में चने के उत्पादन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग 119.9 लाख टन का लगाया जा रहा है। और आपको ये भी बात बता दें कि जो व्यापारी हैं और किसान हैं उनको अभी भी ये उम्मीद है कि चने की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक बढ़त बनती हुई नज़र आ सकती है। दरअसल दिवाली आने वाली है और दिवाली जैसे जैसे पास आती रहेगी, नज़दीक आती रहेगी, तो चने की जो कीमतें हैं वो त्योहारी मांग के चलते कुछ उठती हुई नज़र आ सकती हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब कोई त्यौहार आता है तो चने का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, चने का बेसन, काले चने का इस्तेमाल किया जाता है नवरात्रि में,
कंजका बिठाई जाती है तब चने की खपत बढ़ जाती है, और नवरात्र 9 दिन के होते हैं तब 9 के 9 दिन चने की खपत बढ़ती है, भंडारे भी चलते हैं उस दौरान, और दिवाली जब होगी तब भी चने की जो खपत है ज़्यादा देखने को मिलेगी, बेसन के रूप में हो, चाहे सब्जी के रूप में हो, चाहे ऐसी देखने को मिले, तो तब हो सकता है कि चने की जो कीमतें हैं कुछ उठती भी नजर आएँ। आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजय के मुताबिक दिवाली के नज़दीक आने पर चने की जो कीमतें होंगी वो लगभग 5450 रुपये क्विंटल तक जाती हुई नज़र आ सकती हैं वायदा बाज़ार के अंदर। जैसे बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वायदा देख रहे हैं कि 2538 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 1% की तेज़ी के साथ। हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का वायदा बाज़ार 2500 के ऊपर ही सस्टेन होकर चल रहा है। अगर 2600 का लेवल देखने को मिल जाता है बिनौला खल के अंदर तो 2700 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अभी जानकार अभी हाल फिलहाल में ऐसा बता रहे हैं। बात करें मसाला पैक कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं यहाँ पे धनिया का अक्टूबर वायदा 8130 पर है, हल्की सी बढ़त है, और जीरे का अक्टूबर वायदा 14730 पर, जीरा भी तेजी की ओर है। और बात करें हल्दी की, तो हल्दी का अक्टूबर वायदा देख रहे हैं कि 7362 पर कारोबार करती नजर आ रही है 0.5% की करेक्शन के साथ। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर धनिया और जो जीरा है उनके अंदर ज़्यादा बढ़त बनती हुई नज़र आ रही है। दरअसल मसालों में एक बार फिर से घरेलू स्तर पर मांग निकली है, खपत बढ़ी है, और दूसरा जो निर्यात मांग है वो भी अब ठीक ठाक देखने को मिली है, जिसकी वजह से मसालों में जो तेज़ी है अभी हाल फिलहाल में ये जारी रह सकती है। बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का अक्टूबर वादा देख रहे हैं 10173 पर है, 5.5% का ऊपरी सर्किट है, और ग्वार सीड का अक्टूबर वादा 6025 पर है, 4.5% का ऊपरी सर्किट। आज सुबह के कार्रवाई सत्र में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्वार की कीमतों में आज तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है, वही तेज़ी आज हम बनती हुई देख रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में ऊपरी सर्किट लगते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्वार का जो टारगेट दिया गया था हमारे जानकार द्वारा आज वो अचीव होता हुआ नज़र आ गया है। आपको बता दें कि ग्वार गम का 10,000 के ऊपर सस्टेन होना बेहद ज़रूरी है, तभी 11,000 और 12,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी ग्वार गम की कीमतों में वायदा में बननी ज़रूरी है, तभी अच्छे और अच्छे लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। वरना ग्वार गम अगर सस्टेन नहीं हो पाता है 10,000 के ऊपर तो एक रेंज ही देखने को मिलती रहेगी कि कभी 9,200 का लो लग गया, कभी 9,500-6,000 पे एक दायरा देखने को मिल गया, फिर कभी कभी आज की तरह एक ऊपरी सर्किट लगते हुए नज़र आ गए। तो एक इसी दायरे में कारोबार देखने को मिलता रहेगा अगर ग्वार गम का वायदा बाजार 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तो। और ग्वार सीड की कीमतों में भी एक अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, हम देख भी रहे हैं, अगर 6,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो 6,200-6,300-6,400 तक भी जो तेज़ी है वो एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। सस्टेनेबिलिटी देखनी ज़रूरी है ग्वार की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में, तभी तेज़ी बनेगी, अदरवाइज़ ऐसे ही माहौल बना रहेगा, कभी मंदी तो कभी तेज़ी, उठापटक वाला माहौल ग्वार की कीमतों में देखने को मिलता रहेगा। रुख कर लेते हैं यहाँ से अब खाद्य तेलों के बाज़ार की ओर, देख रहे हैं कि यहाँ पे मस्त सीड का अक्टूबर वायदा 8492 पर है, 1% की तेज़ी है। रिफाइंड सोया तेल का अक्टूबर वायदा 1318 पर 0.5% की तेज़ी के साथ, और सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5924 पर है 0.5% की तेज़ी के साथ। हम देख रहे हैं कि तिलहन बाज़ार खाद्य तेल का बाज़ार कुछ हल्की जो लेवल हालांकि हरे निशान पर है, लेकिन लेवल्स वो वाले देखने को नहीं मिल रहे हैं जो हमने पहले देखे थे। आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने खाद्य तेलों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है, वो ये है कि सरकार एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जिस पर सभी खाद्य तेल के व्यापारी अपने स्टॉक के बारे में जो डिटेल्स हैं वो देंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि एक तो सरकार के पास डिटेल्स जाती रहेगी कि खाद्य तेल देश में कितना है, व्यापारियों के पास कितना है, किसानों के पास कैसी फसल है, उसका एक डिटेल जाती रहेगी सरकार के पास, और दूसरा कोई ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रख पाएगा, काला बाज़ारी रुकेगी, तीसरा जो बाज़ार है उसमें एक संतुलन बनता हुआ नज़र आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कम स्टॉक दिखा दिया और उसके पास ज़्यादा माल निकल रहा है, क्योंकि सरकार छापेमारी भी ज़रूर तेज करेगी, और अब जैसे कि त्योहारी सीज़न है तो जो छापेमारी है खाद्य तेलों की वो भी तेज़ होती हुई नज़र आएगी। तो जो स्टॉकिस्ट हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं वो अगर इस बात को सुन रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें कि भैया कालाबाजारी ना करें, त्यौहार पास में है, सरकार छापे मार सकती है, तो ज़्यादा स्टॉक ना करें, संतुलन ज़रूर बना के रखें, वरना काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना भी पड़ सकता है।
बात करें कीमतों की तो सरसों में तेजी का ही रुझान है। हाल फिलहाल में सरसों की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आई है। खपत ज़्यादा है और जो स्टॉक है सरसों का वो कम है, जिसकी वजह से सरसों में तेजी है। और दूसरा, सोयाबीन का जो वैश्विक उत्पादन है यानी कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, 740 लाख टन तक रह सकता है। और दूसरा, ये जो घरेलू सोयाबीन है, घरेलू सोयाबीन का जो रकबा है बुआई का, वो लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर ही होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जानकार ऐसी अटकलें लगा रहे हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा जब पूरे की बुआई के आंकड़े और उत्पादन के आंकड़े निकल के सामने आएंगे। ये सोयाबीन की जो एक्चुअल फिगर है वो तभी पता लग पाएगी, अभी सिर्फ जानकार अनुमान ही लगा रहे हैं। और अनुमान की वजह से जो मार्केट्स के अंदर जो सेंटीमेंट्स बने हैं सोयाबीन की कीमतों को लेकर, उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी का रुझान देखने को मिल रहा है। और दूसरा, सरकार ने जो सोयाबीन के आयात यानी सोयाबीन खली का जो आयात किया है पोल्ट्री उद्योग के लिए, उसकी वजह से भी सोयाबीन की कीमतों पर एक गहरा असर पड़ता हुआ नज़र आया है, जो कि सोयाबीन किसानों के लिए बहुत ही नकारात्मक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जब सोयाबीन की फसल बाज़ार में नहीं आई थी तब तो वायदा बाज़ारों में इतनी सट्टेबाजी चली थी कि जो सोयाबीन है 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार तक बिकती हुई नज़र आई थी। उस समय वायदा बाज़ारों में निवेशकों ने और सट्टेबाजों ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन अब जैसे ही किसानों की जो सोयाबीन है बाज़ार में उतरी, मंडियों में उतरी, अचानक से भाव कम कर दिए गए और सरकार ने भी फैसला ले लिया सोयाबीन आयात करने का। सरकार ने तब तो फैसला नहीं लिया ये सोयाबीन खली का आयात करने का जब वायदा बाज़ारों में कीमतें ऊँची थी और सट्टेबाजी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और किसान जो था वो बेचारा ज़्यादा महंगा बीज लेकर जिस समय बीजों की भी कालाबाजारी देखने को मिल रही थी, बुआई की किल्लत थी सोयाबीन के बीज की, उस समय किसानों ने अपनी कर्ज लेकर जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके सोयाबीन के बुआई करी महंगा बीज खरीद कर। तब किसान को किसी ने नहीं पूछा, सोयाबीन के किसान को। लेकिन अब जैसे ही फसल बाज़ार में आई, वायदा बाज़ारों में भी भाव कम हो गया, सरकार का फैसला भी आ गया और सोयाबीन किसानों की जो आस थी अच्छे दाम मिलने की वो टूट गई। और दूसरा, इसी के साथ साथ सोयाबीन के किसानों पर दोहरी मार भी पड़ती हुई नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में जो सोयाबीन के जो फसलें हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है जिसकी वजह से खेतों में भी पानी ज़्यादा भर गया है और सोयाबीन की जो फसल है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाह होती हुई नज़र आ रही है। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है और उत्पादन कम रहता है, उत्पादन के आंकड़े कम आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि जो सोयाबीन है उसकी कीमत कुछ बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अगर सरकार कुछ फैसला नहीं लेती है और सट्टेबाजी इतनी देखने को नहीं मिलती है, ये भी तभी पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज़ सोयाबीन किसान का भगवान ही मालिक है, सोयाबीन किसान को उन कीमतें क्या मिलेंगी अब वो वक्त ही बताएगा। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाज़ार का अपडेट। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे YouTube चैनल मार्केट टाइम्स TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही। नमस्कार।